नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पाठ। इस वक्त हमारे साथ जो बगल में बैठे हैं वो हिलसा के रहने वाले हैं और छात्र जदयू से जुड़े हुए हैं। लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। वैसे में ऋषु पटेल जी से बातचीत करेंगे क्योंकि यह कॉलेज से लगातार जुड़े रहे हैं। छासंग चुनाव ये आज का मुद्दा है क्योंकि बिहार राज्य के अंदर कई विश्वविद्यालय है जहाँ छासंग चुनाव फिलहाल चल रहा है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय अब यहाँ पे है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि पाटलिपुत्र जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 2018 में बनी है उसके बाद छासंग की चुनाव यहाँ नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जनवरी या दिसंबर तक में, मतलब 2023 जनवरी दिसंबर में छासंग चुनाव होने की उम्मीद है और इसमें हम लोग छात्र जदयू से ही कड़ी मेहनत है और हम लोग पटल पर हैं और चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। ऋषु जी, हम जानना चाहेंगे कि मगध विश्वविद्यालय पहले था, अब पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय बना दिया गया है। पटना एवं नालंदा के कॉलेजों को मिलाकर लगभग लंबे जिनसे आंदोलन चल रहा था, आप उसी का प्रोडक्ट है मगध विश्वविद्यालय का। जब हिलसा सर के एसी कॉलेज हुआ करता था, आप चुनाव लड़े थे, कॉलेज प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए थे। अब कैसा माहौल हिलसा में लग रहा है कि अब चुनाव हो? लगभग टाइम हो चुकी है, मगध विश्वविद्यालय में थे तो उसमें चुनाव हुआ था तो हम लोग जीते थे। अब पाटलिपुत्रा की बारी है क्योंकि यहाँ प्रतिनिधियों के बहुत जरूरी है क्योंकि विश्वविद्यालय से कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक प्रतिनिधि छात्र संघ जो होते हैं ना, वही जो जीत के आते हैं उनकी बात को रखा जाता है और वहाँ कॉलेज में हर समस्याओं को सुना जाता है। ये छात्र संघ चुनाव तो बहुत जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 2023 तक के जनवरी तक में चुनाव कराने की उम्मीद है और होगी। और बहुत सारे मुद्दाएँ हैं कि छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद हम लोग बहुत काम किए थे, जैसे पीजी हो, लाइब्रेरियन हो, बीकॉम हो, इन सब की मुद्दा 2018 में लड़े थे और अगली मुद्दा हम लोग कुछ ही दिन में फेस करेंगे कि किस मुद्दा पर छात्र जदयू चुनाव लड़ेंगे। अभी फिलहाल कहा जाता है बिहार राज्य की राजधानी पटना है और पटना में अब दो विश्वविद्यालय काफ़ी चर्चा में है, चाहे वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो या पटना विश्वविद्यालय, पुराना पटना विश्वविद्यालय है। छात्रसंघ का चुनाव वहाँ भी हो रहा है, नामांकन की भी प्रक्रिया हुई, छात्र जदयू से आते हैं वहाँ भी आपके कैंडिडेट उतरेंगे, कैसा वहाँ का माहौल है? वहाँ देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने बिहार को चमकाया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या तो रोड नली गली बिजली। अभी हम लोग पटना विश्वविद्यालय छासंग चुनाव में छात्र जदयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को मुद्दाओं को लेकर चला है और उम्मीद है कि हम लोग छात्र संघ जब 2022 में पटना विश्वविद्यालय में चुनाव जीतेंगे तो पक्का है कि तब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा दिलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ इससे मजबूत भी होगा। मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो कहा जाता है नालंदा उसका गढ़ है और जब भी हिलसा के जहां बात करें, जहां बैठे हुए हैं एसी कॉलेज छासंग कार्यालय में, वहां ज़्यादातर देखने को मिला है कि छात्र जदयू के ही कैंडिडेट ज़्यादातर जीतते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि पाटलिपुत्रा में छासंग चुनाव होगी तो यहाँ पर छात्र जदयू ही जीतेगी और हम लोग काम किए हैं, यहाँ के स्टूडेंटों से पूछिएगा जो छात्र छात्राओं हैं उनसे, हम लोग पर लगभग हम तो चुनाव जीते तो प्रतिदिन कॉलेज जाकर समस्या को समझा है और सुलझाए हैं, जहाँ तक बना है वहाँ तक हम लोग मदद किए हैं, आगे भी करते रहेंगे और हमारे जो प्रत्याशी आएंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो छात्र जदयू यहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो क्लीन चिट करेगी अन्य पार्टियों को? ये तो छात्र यहाँ के जवाब देंगे ना, क्योंकि दो बार से तो क्लीन चिट है, अगला बार भी बारी है।